गर्मी से परेशान बाड़मेर के लोग, ये देखिए। और साचोर में मिल रहा है ठंडा ठंडा मैंगो जूस, दही वाली कचौरी मिल रही है देखो गुड़ा मलानी में। ये खिड़की खुलती है क्या? खुलती भी है, एसी वाली बस है और खिड़की खुलती भी है, वाह। और ये वो पंचर वाले जो टायर चेंज करने वाले भैया, वो देखो भाई भैया, ये बस रवाना होने वाली है हमारी शुभ यात्रा के लिए। विशेष दे देना गाइस, जय माता जी, जय जलाराम, जय हनुमान जी, जय श्री राम। अभी टाइम हो रहा है गाइस 6:07 हुई है, यानी कि तकरीबन 37 मिनट लेट है हमारा बस। तो हो सकता है 37 मिनट हम लेट पहुंचेंगे। बाय भैया बाय। और ये पानी पूरी वाले भैया जो सिर्फ 10 रुपए में साथ साथ पानी पूरी वाले भैया, बाय बाय। और ये देखिए गाइस, गर्मी से परेशान बाड़मेर के लोग, ये देखिए राजस्थान बॉर्डर के पास, ये राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर के पास, ये देखिए श्री जोग माया माता जी का मंदिर और ये श्री हनुमान टेकरी का मंदिर। और ये मुन्नाबा जाता है गाइस, ये रोड जाता है पाकिस्तान बॉर्डर और ये रोड जाता है सिटी में, ये देखो बाड़मेर शहर रेलवे स्टेशन, वाव। और यहाँ पे मिल रहा है आम रस मिल रहा है गाइस, ये देखो। और यहाँ से हम आए थे, ये जाता है जोधपुर, ये रास्ता जाता है जोधपुर। और हम अहमदाबाद वाले रास्ते पे चले गए हैं गाइस, और हमारी बस फाइनली अहमदाबाद वाले रास्ते पे आ गई है। 810 किलोमीटर की मुसाफरी हमारी चालू हो गई है गाइस, ये देखिए यहीं पे है इनका ऑफिस गणेश ट्रैवल का। ओ माय गॉड, एक्सीडेंट, गजब। वो रही देखो, वो रही श्री गणेश ट्रैवल्स की ऑफिस। और यहाँ पे सवारी का सेटिंग हो रहा है, एक सवारी। ये बार्गेनिंग चल रहा है, वो बस वाला 400 रुपया बोल रहा है, ये 300 रुपया बोल रहे हैं। 300 रुपया में फाइनली सेटिंग हो गया इनका, 300 में सेटिंग हो गया। और यहाँ पे मिल रहा है आइसक्रीम, ये देखिए इसको बिठाया नहीं ये अंकल को। गाइस लू लग रही है, बहुत ही गरम गरम हवा चल रही है, खिड़की बंद करनी पड़ेगी गाइस, नहीं तो परेशान हो जाएंगे गर्मी में, खतरनाक गर्मी है। धोरी मन्ना आ गया है गाइस, हमने 60 किलोमीटर का सफर काट लिया है और ये हम देखो धोरी मन्ना में अभी आके रुक है यहाँ पे। बाहर लू इतनी ज्यादा है कि हमने वापस ये खिड़की बंद कर दी है गाइस, इतनी गरम गरम तेज हवा चल रही है ना, मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया है गाइस, हमारा आईफोन भी बंद हो गया था इतनी गर्मियों में, स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। बहुत ही खतरनाक गर्मी है गाइस, ये गर्मी में भी लोग गरम गरम कचौरी और चाय का मजा ले रहे हैं गाइस। गुड़ा मलानी के पास हमारी बस रुकी हुई है, हमें बहुत ही वॉशरूम लगी थी तो हम थोड़े हल्के हो गए आ गए हैं। और यहाँ पे कुछ नाश्ते की तलाश में आए हैं क्योंकि बस वाले भैया ने बोला कि ये बस बाड़मेर से हैदराबाद जा रही है और बीच में वो सिद्धपुर पे रोकेगा, डायरेक्ट सिद्धपुर पे खाना खाने के लिए रुकेगा, सिद्धपुर पे खाना खाने के लिए रोकने वाला है। और सिद्धपुर तो आएगा 11 बजे, तो 11 बजे तक भूखा रहना पड़ेगा और हमें दबा के भूख लगी है, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ नाश्ता नहीं मिल रहा है गाइस। देखते हैं ये क्या है। भैया क्या बना रहे हो? पाव भाजी, इडली सांभर भी है। ये क्या है भैया? ये तो कचौरी है, कचौरी, दही वाली कचौरी मिल रही है देखो गुड़ा मलानी में। कितने रुपए की है भैया? सिर्फ 30 रुपए की, वाव, 30 रुपए की दही वाली कचौरी। और भैया ये क्या बना रहे हो आप? ये
पाव गरम कर रहे हो? ये देखो पाव भाजी के लिए पाव गरम किया जा रहा है यहाँ पे। भैया गन्ने का जूस कैसे दिया? कैसे दिया जूस? 20 रुपए। 20 रुपए का बिना बर्फ वाला? बर्फ वाला चाहिए बिना बर्फ वाला? बर्फ वाला। आप ये तम्बाकू खाते हो क्या? तो दांत ऐसे खराब क्यों हो गए? भैया 2 ग्लास दे दो इनको, 2 ग्लास दे दो। मिलेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 15 ग्लास पहले हो रहे हैं। 2 ग्लास दे दो ना बच्चों को। देंगे मगर पहले 15 का ऑर्डर ले रखा मैंने इसलिए। अरे 15 गन्ने का जूस वाला बोल रहा है मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ कंफर्म नहीं है। तो ये बच्चों ने बोला वड़ा पाव खिला दो। भैया वड़ा पाव मिलता है क्या इधर? वड़ा पाव मिलता है क्या? कितने रुपए का है? 20 रुपए का। 20 रुपए का? कितना कितने वड़ा पाव चाहिए? इधर आओ, दो ही चाहिए। भैया 2 वड़ा पाव दे दो बच्चों को। ये क्या बना रहे हो? वड़ा पाव की चटनी। टिकी या मीठी? तीखी दोनों, मीठी और तीखी दोनों। मीठी तीखी दोनों चटनी। और क्या डालोगे? सूखी चटनी। सूखी चटनी भी डालोगे? वाव। और उसके अलावा? गरम करेंगे। गरम करने के लिए डाल दिया है। और ये देखिए तेल, तेल ऐड कर दिया है। और ये भैया आप क्या बना रहे हो? गरम गरम पकौड़े बन रहे हैं। देखिए वड़ा के लिए, वड़ा पाव के लिए। वाव, बना के नहीं रखते, गरम गरम फ्रेश बनाते हैं। ओ हो गाइस, ये देखिए गरम गरम पकोड़े बनने जा रहे हैं अपने। और क्या है भैया? कचौरी है। ये कचौरी कितने रुपए की है? 50 रुपए की। 20 रुपए की। 20 रुपए की, ठीक है। दो बना दो भैया जल्दी। चैनल का नाम है भैया हिया 99 फूड मैजिक। ये देखो गरम गरम वड़ा बनके रेडी होने वाले हैं। तो भैया इतनी गर्मी में आप कैसे बना लेते हो वड़ा पाव के लिए ये वड़ा? गर्मी नहीं लगती क्या आपको? हैं? मालिक को बोल के थोड़ा एसी बेसी लगवा लो, कूलर। ये मैं खा रहा हूँ, देखो अच्छा सा है। आप रेगुलर कस्टमर हो? अरे मेरी बस ना चली जाए भैया, ड्राइवर आ गया है। ये फटाफट दे दो यार मेरे बच्चों को। ये देखिए गाइस, ये वड़ा पाव बनके रेडी होने वाला है हमारा। ये देखो ये ब्रेड के अंदर डाल दिया है उन्होंने, पाव के अंदर वड़ा को डाल दिया है और उसके ऊपर मिर्ची। ओ माय गॉड, मिर्ची वाला वड़ा पाव। ये देखो बच्चों को। ए बस गई मेरी, बस गई। अरे बस गई, वो बस कहाँ मिलेगी? ये देखो गाइस दौड़ते दौड़ते बस पकड़ी है। अरे भाई ये वड़ा पाव का वीडियो बनाने के चक्कर में बस भी चली जाती मेरी, 10 रुपया भी लेना रह गया। ये देखिए गाइस हमारी बस रुकी हुई है साचौर में, और साचौर में मिल रहा है ठंडा ठंडा मैंगो जूस 20 रुपए का, सिर्फ 20 रुपए का बादाम कैरी का मैंगो जूस। थैंक यू भैया, दे देना। और ये हमारे भाई ये बस वाले भैया जिन्होंने वार्निंग दी थी अगर तुम जल्दी नहीं आओगे तो बस चली जाएगी, और हम टाइम पे पहुंच गए हैं। जे रेडी है? और ये देखिए गाइस फाइनली वापस आ गए हैं। गर्मी से परेशान हो गए थे तो स्पेक्स निकाल के अभी ये माउथ फ्रेश 20 रुपए का पानी लेके माउथ फ्रेश किया गाइस। ये बस चालू हो गई है और ये देखिए ये मैंगो जूस वाले भैया यहाँ अंदर आके मैंगो जूस बेच रहे हैं। राजस्थान की गर्मी में बचने के लिए देखो बादाम कैरी का मैंगो जूस 20 रुपए में। और ये बस चालू हो गई है, बस चालू हो गई है और सब भागते भागते अंदर आ रहे हैं।
आगे की मुसाफरी का वीडियो कल आएगा गाइस। आशा रखते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करके कमेंट जरूर कर देना गाइस। पानी बचाओ, बिजली बचाओ, पेड़ पौधे बचाओ गाइस। तापी माता के कल दर्शन कराएंगे गाइस। बने रहिएगा। बाय बाय।